मैं ना तो ऐप की ओनर हूँ और हॉट शॉट्स में सिर्फ अकेली मैं डायरेक्टर तो थी नहीं, इट वॉज एन ऐप। उस ऐप में कम से कम 25 से 30 डायरेक्टर प्रोड्यूसर फिल्में बनाते थे क्योंकि हर हफ्ते 2 फिल्में रिलीज होती थी। अब अकेले मैं हफ्ते में 2 फिल्में रिलीज होती फिल्में तो नहीं बना सकती, कम से कम भी 60 से 70 एक्टर्स काम करते थे, कम से कम 25 से 30 प्रोड्यूसर डायरेक्टर काम करते थे, कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ। अगर एक ऐप में फिल्में बन रही हैं तो सारे लोग एक टाइप की फिल्में बनाएंगे तो बाकी लोग क्यों नहीं अरेस्ट हुए? इट वॉज एन एब्सोल्यूट कॉन्स्पिरेसी एंड द रीजन वॉज मनी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी। अगर मैं उस दिन विक्टिम बन गई थी तो ना मैं कभी अक्यूज बनती, ना मैं कभी जेल जाती और ना मैं ये स्टोरी शेयर करी होती। आप भोपाल में शूट करेंगी, यस, यही के एक्टर्स भी यूज करेंगी, यही लोकेशन आप अभी इन दिनों आप लोकेशन हंडिंग भी कर रहे हैं। मैं, मेरा रीजन ऑफ शूटिंग इन भोपाल, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट टू यू, भोपाल वालों को चूरन देता है, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, थोड़ा चूरन देता है और कहता है हम तुम्हें अच्छे रोल देंगे, उन्हें सिर्फ फिलर बना के खत्म कर देता है। वो फिल्म में आते जाते दिखाई तक नहीं देते हैं, वो अपने पेरेंट्स को अपने दोस्तों को बताते हैं आई डिड दिस रोल, ये कट हो गया, या देखो पास होने में कहीं दिख जाऊंगा। सो दिस टाइम मैं पूरी तरह से भोपाल के साथ जस्टिस करने वाली हूँ। मेरी फिल्म में 100% एक्टर सिर्फ भोपाल के हैं। मेरा रोल मैं खुद प्ले करूंगी, बाकी सारे रोल भोपाल के लोग करेंगे। सिर्फ टेक्नीशियंस मैं मुंबई से लेकर आऊंगी क्योंकि टेक्नीशियंस ज़्यादा अच्छे हैं बॉम्बे में, बट एक्टर्स जो भोपाल के हैं वो कमाल है। सेकंड चीज़, जो लैंग्वेज यहाँ बोली जाती है इन भोपाल, वो सेम लैंग्वेज हमारे बॉलीवुड में बोली जाती है, नथिंग न्यू। और सबसे मेन चीज़, वही लोग तो हैं यार जो टॉप में हैं, हम ही वैसे निकल कर गए हैं। तो अगर अपने मैं MP पर सब्सिडी भी देख रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे भोपाल गवर्नमेंट, MP गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करती है तो मैं हर साल कम से कम 3 से 4 फिल्में, प्रॉपर फिल्में अच्छी बड़ी फिल्में बड़े कैमरे से शूट करके यहाँ के लोकल लोगों को काम मैं हर साल बनाऊंगी। एंड भोपाल बिल्कुल नहीं, आप फिर एक यूट्यूब चैनल देखें जहाँ पे द गहना शो नाम है, उसमें सारी वही लड़कियों को मैं बुलाती हूँ जो एडल्ट कॉन्टेंट में काम करती हूँ। उसमें बकायदा पूछती हूँ कि मुझे बता दो, चाहे मेरा सेट हो या किसी का सेट हो, क्या बाय शूटिंग आपको कभी कोई फोर्स करता है, या जब आप फाइनलाइज होती हैं आपको पहले कोई कुछ और बताता है और आपके साथ कुछ और होता है? सो जो लोग जो विक्टिम कभी बने हुए थे, अगर वो खुद ही ये कह रहे हैं कि नहीं हमारे साथ कभी गलत नहीं हुआ, तो लोगों का नज़रिया चेंज होने का तो सवाल ही नहीं उठता। सेकेंड, हमें किसके नज़रियों की चिंता होती है? अपनों की, दुनिया से तो हमें वैसे भी कोई लेना देना नहीं होता। सो जब मैं अरेस्ट हुई थी, चाहे मेरे पापा हों या मेरे स्कूल टीचर हों या मेरे स्कूल के हेड मास्टर हों या मेरे HOD हों, सब ने इंटरव्यूज दिए हैं, सारे टॉप चैनल्स पे मीडिया मेरे घर पहुंच गए थे छत्तीसगढ़ में, तो मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स, हर किसी ने मेरा सपोर्ट किया। सबका एक ही कहना था, हम जितना वंदना को जानते हैं, हमें, मेरे पापा तो कहते हैं मेरा खून गलत हो नहीं सकता, कि मेरे पापा के पास से मेरे प्रिंसिपल के शब्द ये थे कि जब तक वो स्कूल में थे उसने कभी किसी कल्चरल एक्टिविटीज में पार्ट नहीं किया, उसको सिर्फ पढ़ाई करना आता था। तो मैं मान ही नहीं सकता कि ये लड़की कभी गलत कर सकती है। वहाँ जाके रो रहे हैं, मेरे पास आज भी, अगर ये शो खत्म होने के बाद मुझे बोलने के बाद कुछ ऑडियोस प्ले करूंगी, मेरे स्पॉट दादा रो रहे हैं, लिटरली ही वॉज क्राइंग कि मैम आपके साथ क्या हो गया। और आपको शायद पता होगा, एक शूट में मिनिमम 45 से 50 लोग होते हैं एक्टर्स के साथ मिलाकर, उनके घर, उनके आसपास की दुकानें, पता नहीं 150 से 200 लोगों का घर चलता है एक शूट से। तो आप किसी के साथ तो गलत कर ही नहीं रहे थे, तो लोगों का नज़रिया कैसे बदलेगा? और बहुत साल पहले एक फिल्म आई थी राम तेरी गंगा मैली होगी, उसमें तो एक्चुअल बुक्स शो थे, तब तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर राज कपूर को उठा के जेल में नहीं डाला गया, देयर वाज अ प्रॉपर सेंसर, कट करके रिलीज कर दी गई और उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दिया तो उसके साथ रिलीज कर दी गई। तो तब जब होना नहीं था तब हो गई, तब भी जेल नहीं गए, मैंने तो कुछ किया नहीं, फिर मैं जेल चली गई। तो लोगों का नज़रिया पहले भी पॉजिटिव था और आज के डेट में मैं बिलीव नहीं, मुझे एक्टर्स और ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। पहले जिन एक्टर्स को 50,000, 80,000, 1,00,000 रुपये पर डे देते थे, आज अगर मैं उस एक्टर को पूछूँ तो 20,000 में मेरे से पर डे काम कर लेते हैं। चलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग आपकी पूरी जर्नी है, हालांकि आप फिल्म अब बना ही रही हैं, सच आएगा ही लोगों के सामने। एक बड़ा मजेदार बात हुआ था इन दिनों, जब राजकुंद्रा अरेस्ट और जब रिलीज हुए थे तो लगातार कई साल तक वो मास्क लगा के घूमते रहे, इट वाज द बज, तो वो क्यों करते थे? एक्चुअली हुआ क्या था, मैं बोला राज बहुत स्वीट है, स्वीट था, वो बिल्कुल भी किसी से गलत नहीं कर सकता। एंड जो भी लड़कियों ने स्टेटमेंट पास किए थे ना कि राजकुंद्रा ने वीडियो कॉल पे आस्क की तो करो ये करो, आप किसी से पूछना, किसी के पास भी राज का नंबर हो गई। तो राज जब अचानक से अरेस्ट हुआ